वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे मैनेंजेस ऑफ ब्रेन के बारे में। जब हम ब्रेन को पढ़ते हैं तो हम ब्रेन में जो ब्लड फ्लो पढ़ेंगे या फिर CSF फ्लो एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन पढ़ेंगे या आगे इसका ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें मालूम होना ज़रूरी है कि ब्रेन के मैनेंजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली मैनेंजेस क्या होते हैं, ब्रेन जो होता है एक एनक्लोज्ड कैविटी में होता है जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं, और वो तीन कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स की बनी होती है। सो दैट्स नोन एज मैनेंजेस ऑफ ब्रेन। तो यहाँ स्ट्रक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि सबसे ऊपर जो है दैट इज़ क्रेनियम, ठीक है, दिस वन इज़ क्रेनियम। क्रेनियम के बाद जो पहली इंपॉर्टेंट मैनेंजेस आती है वो आती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे लास्ट में जो आती है वो होती है पाया मैटर, और ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में ये वाली जो लेयर आती है दैट इज़ एरेक्नॉइड मैटर। अब इसके अंदर थोड़े से इसके लेयर्स अलग अलग हैं जो कि सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जो ड्यूरा मैटर के साथ में ग्रीन कलर की लेयर बनती है, यहाँ से ड्यूरा मैटर स्टार्ट हो जाती है, और इस ये जो लेयर है इसे बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। उसके बाद जो नीचे वाली लेयर आती है उसे बोलते हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो फाइनली ओवरऑल ड्यूरा मैटर एंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर दोनों से मिलकर बनी होती है। जब इसके बाद में जो लास्ट लेयर आती है दैट इज़ पाया मैटर, तो पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जहाँ पे एरेक्नॉइड मैटर है, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर को सेपरेट करने वाली जो स्पेस होती है उसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, दिस वन इज सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और जो पाया मैटर है ये फाइनली ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, सो दिस इज द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। तो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, और अंदर से बाहर की तरफ अगर हम जाते हैं ये है क्रेनियम टू ब्रेन दिस वन। तो पहले आएगा ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर, फिर आता है पाया मैटर, और अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो पहले पाया मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर और फिर ड्यूरा मैटर। मैनेंजेस ऑफ ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल मालूम होना चाहिए। तो पाया मैटर जो होता है ये एक कंटिन्यू एक्सटर्नल सरफेस है ब्रेन का, जैसे हमने बताया थिन है, हाईली वेस्क्यूलर मेम्ब्रेन है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं, एंड फोल्ड्स ऑफ पाया मैटर एनक्लोज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो पाया मैटर के फोल्ड्स हैं, ये देखिए ये पाया मैटर के फोल्ड्स हैं, ये जो फोल्ड्स होते हैं इन ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है उनके साथ में जुड़े हुए से रहते हैं, और इन्हें बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस दैट फॉर्म टीलोकॉर्डिया। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हम आगे पढ़ेंगे कि कोरोइड प्लेक्सस का मेन रोल क्या है। इसका वैसे मेन रोल होता है CSF फॉर्मेशन में। सो CSF फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कोरोइड प्लेक्सस का, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर इट इज़ कनेक्टेड टू पाया मैटर बाय फिलामेंटस फाइबर्स। अब ये समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो बेटर है, दैट इज़ द आउटर टेबल ऑफ स्कल, ठीक है, ट्रेबिक्यूलर बोन है ये, इनर टेबल ऑफ द स्कल, ठीक है, ये पूरा एक टेबल बनता है जिसमें बाहर की तरफ आउटर टेबल स्कल है, नीचे येलो वाला ये इनर टेबल स्कल है, और उसके बीच में जो है वो ट्रेबिक्यूलर बोन है। इसके जस्ट बाद जो लेयर आती है दैट इज़ ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद सब ड्यूरल पोटेंशियल स्पेस आता है, और फिर आता है एरेक्नॉइड, ठीक है। तो पहला आ गया ड्यूरा मैटर, फिर आ गया एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड के बाद ये आप देखिए लैमेलाइज है यहाँ पे, तो ये सब एरेक्नॉइड स्पेस कहलाता है, जहाँ पे ये एरेक्नॉइड टैबुकुली लटके हुए हैं। ये एरिया जो है हाईली वेस्क्यूलर होता है जब ये पाया मैटर के नज़दीक पहुँचता है। ये आर्टरी है, ये थर्ड वन इज पाया मैटर, ठीक है, और पाया मैटर में सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो आगे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो पेरी वेस्क्यूलर स्पेसेस होते हैं, और फाइनली ये है ब्रेन। तो हम बात कर रहे हैं एरेक्नॉइड मैटर की। सो इट इज़ कनेक्टेड बाय पाया मैटर बाय फिलामेंटस फाइबर्स, एंड द स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर दैट इज़ नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये MCQs में पूछा जाता है, मालूम होना चाहिए आपको। देन
ये अरेक्नॉइड स्पेस क्या होता है, दिस इज़ फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड, ठीक है। सी एस एफ फॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ सी एस एफ के अंदर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से सी एस एफ का रूट होता हुआ जाता है। नेक्स्ट इज ड्यूरामेटर। सो ड्यूरामेटर, अब हमने यहाँ जो पढ़ा है, हमारा सीक्वेंस क्या है, सबसे अंदर इनसाइड और ये सबसे आउटसाइड, ठीक है। सो कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, आउटर एंडोस्टियल एंड इनर मेनिनजियल। तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आउटर एंडोस्टियल इनर मेनिनजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, ये जो लेयर्स होती हैं इससे ड्यूरामेटर कंप्लीट होके बनती है। आउटर एंडोस्टियल लेयर एंड इनर मेनिनजियल लेयर आर फ्यूज्ड एक्सेप्ट, ये दोनों फ्यूज होती हैं केवल कहाँ, एक्सेप्ट वेयर फोल्ड फॉर्म, जहाँ फोल्ड बनता है, ये रहा, ये दोनों फ्यूज्ड होती हैं लेकिन जहाँ ये फोल्ड बन रहा है दैट इज़ फेलिक्स सेरेब्राई, यहाँ ये मैट दोनों लेयर्स जो हैं वो अलग होती हैं, अदरवाइज़ ये फ्यूज होती हैं, ठीक है। देन वीनस साइनसेस, सुपीरियर सजाइटल साइनस, ये सबसे ऊपर का एरिया, दिस इज सुपीरियर सजाइटल साइनस। तो यानी एंडोस्टियल लेयर और मेनिनजियल लेयर एक दूसरे के एनक्लोज रहती हैं, ये लेयर साथ में चलती हैं, अलग अलग कहाँ होती हैं, एक तो सुपीरियर सजाइटल साइनस वाले एरिया में, एक ये यहाँ पे फेलिक्स सेरेब्राई में। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से याद हो तो आप बता पाएंगे। सो बोथ आर एनक्लोज्ड बिटवीन देम। फाइनली एरेक्नॉइड वाइलाई विच पास थ्रू द फेनेस्ट्रे इन ड्यूरा मैटर प्रोजेक्ट इन टू द वीनस साइनसिस। अब ये देखिए यहाँ पे ये एरेक्नॉइड विलाई है, ये एरेक्नॉइड विलाई क्या होता है, एरेक्नॉइड मैटर प्रोट्रूशंस होते हैं, प्रोट्रूशंस बाहर निकले हुए उभार होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं अंदर, ये सजाइटल साइनसिस की तरफ अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो पासिस थ्रू द ड्यूरा मैटर प्रोजेक्ट इन टू द वीनस साइनसिस अलाउ एस्केप ऑफ सी एस एफ इन टू द वीनस साइनसिस। और ये क्या फ़ायदा होता है इनका, कि ये सी एस एफ का जो फ्लो होता है डायरेक्शन, उसमें जो सी एस एफ है उसको वीनस साइनसिस तक पहुँचाने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल जो अगर स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से याद हो तो उसके बाद आप सी एस एफ का फ्लो, उसका वे, उसका पाथवे और उसका सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ, सी एस एफ जो है कोरॉइड प्लेक्सस में फॉर्म हुआ और एरेक्नॉइड विलाई के थ्रू ये जो है वीनस साइनसिस में पहुँचा, वीनस साइनसिस के थ्रू जो है ये ई एस एफ में पहुँच जाता है और आगे ड्रेन हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजर्स ऑफ ब्रेन। आई होप मैनेजर्स ऑफ ब्रेन अच्छे से समझ में आया होगा, तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर पाएंगे। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स मेरे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।